वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में हम लोग अमोनियम डाइक्रोमेट दिया हुआ है, उसको हीट करने से N2RCr2O3 बना है और वाटर इवॉल्व हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है अमोनियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। सो देखो इसमें क्या हुआ है कि नाइट्रोजन और क्रोमियम दोनों एक ही मॉलिक्यूल के पार्ट हैं, दोनों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है और ये लोग आपस में ही इलेक्ट्रॉन गेन और लूज कर रहे हैं। देखो यहाँ अगर आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आएगा और नाइट्रोजन यहाँ पर देखो कहाँ चला गया, 0 में चला गया। उसी तरीके से आप क्रोमियम का निकाल के देखिए, क्रोमियम का यहाँ पर आप निकालेंगे तो आएगा +6, Cr2O7 माइनस है ना। देखो इसको बेसिकली आप इस तरीके से समझिए, NH4 प्लस Cr2O7 माइनस, ठीक है। तो यहाँ +6 है और यहाँ पर निकाल के देखिए +3 आएगा। सो नाइट्रोजन -3 से 0, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। क्रोमियम +6 से +3, इलेक्ट्रॉन गेन। सो यहां पर इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, आपस में ही मॉलिक्यूल के अंदर ही एक्सचेंज कर लिया। सो दे आर कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया, आपस में मॉलिक्यूल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया। तो इस केसेस में हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें? तो पहले इसको आप सेपरेट कीजिए और दोनों को अलग अलग देखिए। तो क्या दिख रहा है, ये आया N2 में और ये आया Cr2O3 में। इसने -3 से 0 तक का ट्रैवल किया, तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज है पर एटम, ओवरऑल कितना है 6 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन है, तो मतलब मॉलिक्यूल का एक पार्ट दूसरे पार्ट से इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है। एक पार्ट दूसरे पार्ट से कितना का एक्सचेंज किया, 6 इलेक्ट्रॉन का। तो इक्विवेलेंट वेट में के लिए एन फैक्टर यहाँ पर क्या मानेंगे हम लोग, यहाँ पर बोलेंगे 6 हो गया। देखो ये मॉलिक्यूल लेट से है ए और बी, इसने इसको 6 इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो एन फैक्टर इज 6। सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू कैपिटल एम बाय 6। मॉलिक्यूलर मास पता कीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।